हाँ जी विकास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर का आगे कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर। हमने इससे पहले दो लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं और हमने उनको अपलोड कर दिया हुआ है। आज हम एक तीसरा लेक्चर जो है वो करने वाले हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था, ग्रेविटी की वैल्यू निकाली कि अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू हमने निकाली थी। और आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करते समय हमें दिमाग में रखने हैं, याद रखने हैं, जो काफी हेल्पफुल होते हैं। तो वो पॉइंट्स हमारे पास क्या है तो जरा ये देख लीजिए। अगर आपको याद हो डिस्क्राइबिंग मोशन चैप्टर में हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंस अब हमारे पास एक्सिलरेशन की जगह क्या आ गई, एक्सिलरेशन न्यूटन ऑफ मोशन में क्या लिख दिया है, जी। तो हमारी ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या, ई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा, जी। और एस की जगह, आई रिपीट, एस की जगह, बेटा एस का मतलब क्या होता था, डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस की जगह अब क्या आ जाएगा बेटा, एच। एच को हम क्या कहते हैं बेटा, हाइट। तो जी क्या हो गया, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बेटा एच हमारा क्या हो जाएगा, हाइट, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। तीसरी इक्वेशन, सो ये देख लीजिए बेटा, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन हमारी क्या थी बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो बेटा ए जी बदल में चेंज हो गया बेटा, और एस जो है वो एच में चेंज हो गया। ये हमारी आगे बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बदल जाती है, बस कुछ सिंबल्स इंटरचेंज हो गए, बाकी सब कुछ सेम है बेटा। याद रखना जी की वैल्यू या तो आप 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे या फिर आप 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, ये आपको याद रखना है। और दूसरा याद रखना है, अगर बॉडी को बेटा हम हाइट से क्या करते हैं, ड्रॉप, अगर हम किसी बॉडी को एक हाइट से क्या करते हैं बेटा, ड्रॉप करते हैं, तो बेटा ड्रॉप करने पर इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होती है, 0 मीटर्स पर सेकेंड, और जी की वैल्यू जो है बेटा वो क्या होती है, पॉजिटिव। ऐसे ही अगर आप किसी बॉडी को बेटा क्या करते हो, थ्रो अप, बॉडी थ्रोन अप, तो बेटा अगर थ्रोन अप है तो इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी, वी की वैल्यू क्या होती है, 0, कहां पर, मैक्सिमम हाइट पर। और बेटा याद रखना जी की वैल्यू आप क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव। तो ये तीन इक्वेशन और बेटा ये इंफॉर्मेशन हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए बेटा मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होती है बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, ये थ्योरी पार्ट में आता है। ग्रेविटी कब, ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हाइट, मतलब आप इसको कह सकते हैं बेटा अबव अर्थ का सरफेस, तो बेटा जी की वैल्यू कम होगी, एंड अंडर दी अर्थ क्रस्ट, अगर आप टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दी अर्थ जाते हैं, अंडर दी अर्थ क्रस्ट। और याद रखना जी की वैल्यू 0 कहां पर होती है बेटा, जी की वैल्यू 0 होती है सेंटर ऑफ अर्थ पे। तो बेटा ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो अब हमें पढ़ने वाले हैं या मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखते हैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर। कहते हैं जब भी कोई बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द हाइट, तो बेटा याद रखना इनिशियल वेलोसिटी उसकी बेटा क्या हो जाती है, 0 होती है। कहते हैं जब भी कोई बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उसे बेटा क्या होती है, पॉजिटिव होती है।
9.8 या फिर 10। कह रहे जब भी कोई बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, तो इसलिए उसकी जी की वैल्यू जो है बेटा वो नेगेटिव दी जाती है, -9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जब भी किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, और हाईएस्ट पॉइंट से अगर बॉडी नीचे की तरफ आती है तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो होती है और जी की वैल्यू क्या होती है बेटा पॉजिटिव होती है। कहते हैं जितना टाइम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लगता है हमेशा याद रखना उतना ही टाइम उसको ऊपर से सेम हाइट से नीचे आने में लगता है, मतलब टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का। वो कहते हैं जितना डिस्टेंस कवर करती है बेटा फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ इट्स फॉल, मतलब डिस्टेंस कितना वो कवर करेगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम कितना है उसका स्क्वायर, ये होता है बेटा। और लास्ट पॉइंट क्या आता है वेलोसिटी जिस ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी विद विच इट वाज प्रोजेक्टेड ऊपर, मतलब जितनी तेजी से आपने बेटा मैं सेवेंथ पॉइंट को यहाँ पे समझा रहा हूँ, जितनी तेजी से आपने उस बॉडी को ऊपर फेंका फिर वो ऊपर गई और फिर वो नीचे आ रही है उतनी तेजी से बेटा वो हिट करेगी यहाँ पर, तो जिस स्पीड से आपने उसको ऊपर फेंका उतनी ही स्पीड से वो नीचे ग्राउंड को क्या करेगी स्ट्राइक करती है, अगर आप उसको नीचे से ऊपर जाते हैं फिर वो ऊपर से कहां पे आती है नीचे आते हैं। तो इन पॉइंट्स को बेटा कंसिडर करके हम आगे के कुछ चीजें जो है बेटा वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा हम इस क्वेश्चन के साथ जो एनसीईआरटी का हमारा एग्जाम्पल टू है। कहता है अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, बेटा एक कार जो है वो फॉल कर रही है, अगर बेटा वो फॉल कर रही है तो बेटा आप ये मान के चलिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या हो गई जीरो, अच्छा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि वो नीचे गिर रही है, तो ये देखो बेटा कितना आ गया 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और बेटा कितना टाइम लेती है फॉल करने में 0.5 सेकंड्स। कहते हैं व्हाट इज उसकी स्पीड जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, मतलब आपको क्या निकालना है फाइनल वेलोसिटी, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू कितना आ गया बेटा जीरो, जी के 0.5, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट उसने बेटा क्या पूछा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.05 सेकंड, तो बेटा एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन बेटा यहां पर प्रॉब्लम आ गई कि टोटल टाइम तो मुझे पता है कितना लिया उसने 0.5 सेकंड्स, टोटल डिस्टेंस मेरे पास है ही नहीं, तो बेटा सेकंड पार्ट मैं अभी निकाल ही नहीं सकता, तो अगर मैं सेकंड पार्ट नहीं निकाल सकता तो कुछ ना कुछ और मुझे निकालना पड़ेगा, तो लेट अस सी हम बेटा थर्ड पार्ट निकालते हैं, क्या पता उससे सेकंड पार्ट आ जाए। थर्ड पार्ट क्या कहता है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, बेटा लेज जो है ऊंचाई जो है वो ग्राउंड से कितनी है, तो बेटा इसका मतलब है हमें क्या निकालनी है हाइट निकालनी है, तो बेटा हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो बेटा यू कितना हो गया जीरो, टाइम कितना हो गया 0.5 प्लस ये हो गया हाफ, जी कितना है बेटा 10 इंटू 0.5 का बेटा हम क्या कर देते हैं स्क्वायर, ये पूरा तो बेटा जीरो हो गया प्लस इसको मैंने कैंसिल कर दिया 5, तो बेटा ये कितना आ गया 5 इंटू 0.25, इसको बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1.52 मीटर, तो बेटा जो लेज है वो 1.25 मीटर हाई है, वो बेटा जितनी हाइट है वही डिस्टेंस है बेटा, क्योंकि हमको बताया गया था ना बेटा h इज चेंज्ड टू s या s इज चेंज्ड टू h, तो बेटा इसी को मैं यहां पे लिख दूंगा, अगर मैं इसको यहां पे लिख दूंगा तो ये कितना आ जाएगा
1.25, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपकी कन्वीनियंस के लिए बेटा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, सिंपल तरीके से। कैसे? ये देखो बेटा, मैं यहां पर अपना रफ वर्क आपको करके दिखा रहा हूं। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने 1.25 में से डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 आ गया, नीचे क्या आ गया 5, ये कैंसिल हो गया। अब बेटा 5 को आप इससे करोगे कैंसिल तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2, और कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया 25। तो बेटा डिवाइड बाय 10 है तो बेटा आंसर कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। इस एवरेज स्पीड से कार जो है ऊपर से क्या गिर गई, नीचे गिर गई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये है हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर तक राइज किया, कैलकुलेट वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, मैक्सिमम हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या हो जाती है, जीरो, वैल्यू नेगेटिव आती है। अब मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूं। आप चाहे तो बेटा आप इसको 9.8 भी ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको 9.8 ही ले लेता हूं, थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, है ना, क्या पता वो भी आसान हो जाए। तो ये देखिए बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा पहले केस में कहते हैं कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो बेटा फॉर्मूला क्या आ जाएगा इन सब के हिसाब से पहले पार्ट में, तो बेटा फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। मुझे क्या निकालना है बेटा, v स्क्वायर कितना हो गया 0, माइनस u स्क्वायर ये आ गया बेटा 2, इंटू g की वैल्यू बेटा कितनी आ गई माइनस 9.8, और बेटा ये कितना आ गया बेटा 10, तो बेटा ये कितना आ गया माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल एट 2, बेटा ये कितना आ जाएगा माइनस 2 इंटू 98। तो बेटा माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो बेटा यू स्क्वायर कितना आ गया 1, ये आ गया बेटा 196। और बेटा 196 का अगर आप क्या ले लेंगे बेटा रूट, तो अगर बेटा हम दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, आप अगर आपने रूट नहीं लेना तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू अंडर रूट 196, तो बेटा u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई सेकेंड पार्ट क्या हमें बताओ, वो कहते हैं कि कितना टाइम लगा ऑब्जेक्ट को रीच हाइएस्ट पॉइंट, बेटा हाईएस्ट पॉइंट के लिए इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो बेटा टाइम क्या हो जाएगा वी। हेलो चेक बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। हाँ, तो बेटा वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और बेटा टी क्या हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन जी। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी आ रही है 14, और बेटा जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस 9.8। तो बेटा टाइम कितना आ जाएगा माइनस 14 अपॉन माइनस 9.8, तो आप बेटा इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 140 अपॉन 98। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका इसका टाइम, तो बेटा ये 1 पॉइंट कितना आ रहा है 43 सेकेंड्स। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इन केस हम जी की वैल्यू 9.8 की जगह अगर इसी क्वेश्चन में 10 लेते तो बेटा कैलकुलेशन काफी ज्यादा बेटा हमारी क्या हो सर्च जो है वो निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कहते व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, बेटा इसका मतलब क्या होता है,
बॉडी रीली फ्रॉम अ हाइट अंडर अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो कोई भी बॉडी जो किसी हाइट से ऊपर से नीचे गिर रही है, मतलब अर्थ की एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उस फॉल को बेटा हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, उसको आप ऊपर से नीचे गिराते हैं, अगर वो ऊपर से नीचे गिरता है बेटा तो उस फॉल को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्री फॉल। आपके घर में टेबल है, टेबल से एक पेन ऊपर से नीचे गलती से आपसे गिर जाता है, उस फॉल को भी हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन, ड्यू इज द एक्स इन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली बाय अर्थ ग्रेविटी, उसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो अर्थ की ग्रेविटी किसी गिरती हुई बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करती है, उसकी स्पीड को जो इंक्रीज करती है, उस वैल्यू को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ की एक्सेलरेशन 8 meters per second square, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 meters per second square भी ले सकते हैं। तो एक फ्रीली गिरती हुई बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो कौन प्रोड्यूस करता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये थे हमारे इंडेक्स के क्वेश्चन जो अभी तक के हमारे टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक जो बेटा हमारे पास आता है वो है मास। यहां पे भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं बेटा। तो मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर मतलब उसका मटेरियल कितना है उस बॉडी के अंदर, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, ठीक है। और मास ऑफ द बॉडी जो है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास की कोई मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा हमारे सेकंड चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो बेटा अगर किसी बॉडी का मास जीरो है तो बेटा हम उस बॉडी को बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है फिजिक्स में उसके बारे में पढ़ने का, वो तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता एक तरह से, उस पर कोई भी लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि उसका मास ही नहीं है। तो आप ये मत कहना कि हमारे पास एक बॉडी है उसका मास जीरो है, लेट सपोज अ बॉडी हैज अ मास जीरो, नहीं बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर उस बॉडी जिसका मास जीरो है उसके ऊपर बेटा फिजिक्स अप्लाई ही नहीं होगी। तो हम इसलिए कहते हैं कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही में एक और भी टर्म आती है जिसको बेटा हम क्या कहते हैं बेटा, वेट कहते हैं। अब वेट क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो बेटा, क्या हो गया, फोर्स हो गया, जिसकी वजह से बेटा हमारी बॉडी अर्थ पे ही रहती है। क्यों, क्योंकि बेटा अर्थ उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि हमारे ऊपर अप्लाई करती है, मतलब किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करती है। सिंस मैं खुद ही कह रहा हूं कि बेटा वेट एक फोर्स होता है, इसलिए बेटा यहां पे वेट का जो एसआई यूनिट है बेटा वो क्या हो गया, न्यूटन। क्योंकि मैंने खुद ही बोला है ना कि वेट जो है आपका वो क्या है बेटा, फोर्स, जिसके साथ आप या हम सब या कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ, अर्थ के सरफेस पर बेटा क्या है, अट्रैक्टेड है। अब सिंस हमको पता है कि बेटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ से ये हमारे पास आया। तो बेटा फोर्स अब किस में बदल गया, W में। ये वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, W is equal to mg। आप देखो बेटा ये दोनों सेम ही है, F is equal to ma, F is equal to mg या W is equal to mg, ये सारी की सारी चीजें जो है बेटा वो एक जैसी ही है, बट फर्क क्या है, A
एक्सेलरेशन कहते हैं, और जी क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मल फिजिक्स में बेटा ये लगता है, लेकिन बेटा ग्रेविटेशनल फिजिक्स में बेटा ए की जगह क्या आ जाता है? अर्थ की ग्रेविटी आ जाती है। अब मास स्केलर क्वांटिटी है, तो बेटा वेट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पर वेट जीरो हो सकता है। सर वो कैसे? मैंने तो कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया। बेटा ऑब्वियस ही बात है, पर अगर हम स्पेस में चले जाए, हम अगर कहां चले जाए? स्पेस में। हम अगर स्पेस में चले जाए तो सर वहां पे क्या होगा? बेटा स्पेस में जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा क्या होती है? जीरो। तो बेटा डब्ल्यू मतलब नितिन सर का मास कितना हो गया बेटा? 60 kg। और जी की बेटा वैल्यू कितनी है? 0 m/s². तो बेटा जिसकी वजह से नितिन सर जो है वो एक तरह से फ्लोट करेंगे इन स्पेस, मतलब मुझे कुछ एहसास ही नहीं होगा कि मैंने कोई चीज उठाई है कि नहीं उठाई है, या मेरा कोई वेट है कि नहीं है। अर्थ पे अगर मैं हूं तो मुझे अपना वजन महसूस होता है, मुझे अपना वेट महसूस होता है उठते टाइम, बैठते टाइम, गिरते टाइम। लेकिन अगर बेटा स्पेस में मैं हूंगा तो मैं सिर्फ हवा में तैर रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरा मास महसूस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा स्पेस में ग्रेविटी क्या है? जीरो है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, मास पूरे कॉन्स्टेंट कहां पे? पूरे यूनिवर्स में मास बेटा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बेटा वेट मेरा अलग अलग जगह पे बदलता रहेगा। मेरा वेट ज्यादा है, लेकिन जैसे ही नितिन सर कहां चले जाएंगे? मून पे। तो बेटा मून पे जाकर मेरा वेट हल्का हो जाएगा, मतलब मैं हल्का हो जाऊंगा। अरे भाई ऐसा कैसे? क्योंकि बेटा मेरा मास तो सेम है, पर बेटा मून की ग्रेविटी कम होती है, इस वजह से मेरा मास तो सेम रहेगा पर मून की ग्रेविटी कम होने की वजह से मेरा वेट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए बेटा हमने बताया था ना कि मून पे जब लोग जाते हैं तो बेटा मून पे जब लोग जाते हैं तो वो जंप लगाते हैं बड़ी बड़ी, वो हल्का हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि बेटा मून की ग्रेविटी कम है। लेकिन अगर मैं मून से सीधा कहां चला गया? जुपिटर। तो बेटा मेरा वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ से बहुत ज्यादा है, मतलब मेरा मास मून पे, अर्थ पे, जुपिटर पे, सन पे, हर जगह सेम रहेगा, हवा में सेम रहेगा, लेकिन मेरा वेट हर जगह अलग अलग है, क्योंकि इन सब हेवनली बॉडी के ग्रेविटी की वैल्यू अलग है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी सन की होती है, इसलिए मेरा वेट सन के ऊपर सबसे ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है बेटा, सन पे जाना कोई पॉसिबल तो है ही नहीं। दूसरा, सन से ज्यादा हल्का जुपिटर होता है, मेरा वेट जुपिटर में सन से कम होगा। फिर सन जुपिटर से हल्का वेट अर्थ का होता है, मेरा वेट अर्थ पे और भी कम होगा, और मेरा वेट सबसे कम कहां पे होगा बेटा? मून पे होगा। लेकिन इन सब जगहों पे मेरा मास बेटा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये होता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट ऑफ मास एंड वेट। हाँ जी बेटा, अब देखिए, लेट्स सपोज एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का बेटा कितना है? 9.8 m/s। तो बेटा उसका वेट अर्थ के ऊपर कितना हो जाएगा? 1 × 9.8। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 9.8 newton। केजी बेटा कितना आता है? 9.8 newton। आपको पता है जो वेइंग मशीन होती है ना, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब मेडिकल में जाते हैं, जब डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अपना वेट करो, अपना वजन, मशीन को हम कहते हैं वेइंग मशीन। क्योंकि बेटा वेइंग मशीन हम उसको वेट मेजर करती है, क्योंकि वो क्या मेजर करती है बेटा? वेट मेजर करती है। अच्छा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि किसी बच्चे को उसका वेट याद है? कोई बच्चा मुझे बताएगा अभी उसका वेट कितना है? 50 kg। तो हम 50 kg लेके चलते हैं, तो ये बच्चे का वेट कितना है बेटा? 50
केजी इसने बोला है, पहले तो बात गलत होगी। तो बेटा इस बच्चे का वेट कितना है 50, तो बेटा वेट यहाँ पर आएगा। इस बच्चे का हम मास निकालते हैं और बेटा उसके बाद हम उसमें किसमें कर देंगे बेटा 10 में कर देंगे, है ना। तो जो वेइंग मशीन होती है, आई रिपीट बेटा, जो वेइंग मशीन होती है बेटा वो वेट मेजर करती है और मास जो उसमें से निकल के आएगा बेटा वो डिफरेंट होता है। तो अगर आपको मास निकालना हो तो बेटा वो कितना आ जाएगा 50/10, तो बेटा वो कितना आ जाएगा 5 kg आ जाएगा। तो बेटा यूनिट हमें चेक करने होंगे। हाँ, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा मास 50 kg है, अगर मैं मास केजी में कह रहा हूं तो बेटा वेट कितना हो जाएगा मास इंटू जी, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। तो बेटा जो तराजू होता है ना, तो बेटा जो बीम बैलेंस होता है, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये सब जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, वेइंग मशीन होते हैं, ये वेट मेजर करते हैं। क्योंकि हम अर्थ पे ही रहते हैं, हमने तो कहीं जाना ही नहीं है, इसलिए हम क्या मेजर करते हैं बेटा, वेट मेजर करते हैं। तो बेटा अब आप देख लो मास, आप यहां रहो यहां रहो यहां रहो सबका सेम रहता है, लेकिन वेट आपको क्या करता है, अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि ये फोर्स होता है। बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अब, जो नॉर्मली बहुत अच्छा ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, वो होता है इनके बीच में डिफरेंस पूछने का, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। अब सिंस पेपर हमारे अगर थ्योरी है तो बेटा ये जो क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सबसे पहले आता है डेफिनेशन, मास क्या होता है, मैटर कंटेंट इन द बॉडी। लेकिन वेट क्या होता है, फोर्स जिससे कोई भी प्लैनेट उस बॉडी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है। कैसे, अगर ग्रेविटी ही नहीं है बॉडी के ऊपर तो वेट जीरो हो गया उसका। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है हर जगह, ये बदल सकता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी ज्यादा है तो वेट ज्यादा हो जाएगा, ग्रेविटी कम है तो वेट कम हो जाएगा। मास कौन मेजर करता है बेटा, बीम बैलेंस, है ना, जो तराजू होता है। और वेट कौन मेजर करता है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस, है ना, जिसके नीचे हम चीजों को लटका देते हैं। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और बेटा वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो जो बेटा तराजू होता है, है ना, बीम बैलेंस बेटा, वो क्या मेजर करता है, मास। लेकिन अगर आप स्प्रिंग बैलेंस कभी देखेंगे, आप मेरे पास क्लास में आते तो मैं आपको जरूर स्प्रिंग बैलेंस जो है वो दिखाऊंगा कि कैसे वो काम करता है। बट दिस इज समथिंग रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास और वेट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बहुत बहुत फेमस है। तो आप देख सकते हैं किसी भी बॉय का, जैसे यहाँ पे उन्होंने एक बॉय ले लिया, अब इसका वेट अर्थ के ऊपर कितना है, 560 न्यूटन, और बेटा इसका वेट मून पे कितना हो गया बेटा, 90 न्यूटन, पर इसका मास कितना रहेगा बेटा, 56 kg रहेगा, क्योंकि मास विल रिमेन कॉन्स्टेंट, चाहे ये मून पे हो चाहे ये अर्थ पे हो, लेकिन वेट दोनों तरफ जो है वो अलग अलग है, क्योंकि दोनों की जी की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, वो डिफरेंट है। तो आई होप आपको मास और वेट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर कितना होगा बेटा, उसका वेट कैसे होगा, मास इंटू जी की वैल्यू बेटा वो कितनी होती है, 10 m/s². लेकिन बेटा उसका मून पर कितना मास होगा, ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर इज द फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन लगा रहा है, मून लगा रहा है। इन अदर वर्ड्स, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मून के ऊपर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून लगाएगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे अर्थ के ऊपर है वैसे मून के ऊपर है। अब देखो बेटा, वेट अर्थ के ऊपर क्या होता है, मास इंटू अर्थ की ग्रेविटी। तो बेटा अर्थ की ग्रेविटी आप कैसे निकालते हैं, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ उसका स्क्वायर, जहां पे एम ई क्या हो गया, अर्थ का मास, आर ई क्या हो गया, अर्थ का रेडियस। तो बेटा अर्थ के ऊपर वेट कितना हो जाएगा बेटा, मास, है ना, ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे प्लेस कर देते हैं। तो
एम इंटू जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। तो बेटा इस फॉर्मूले से हम ये निकाल लेते हैं, हालांकि बेटा ये फॉर्मूला लगाना डिफिकल्ट है क्योंकि बेटा मैं तो पहले से ही जी की वैल्यू निकाल चुका हूँ, जी की वैल्यू निकालना आसान होता है बेटा। तो अब देखो मून के ऊपर, तो बेटा कैसे निकालोगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू, है ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मून के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के ऊपर। तो एम एम क्या हो गया मून का मास, और आर एम क्या हो जाएगा मून का रेडियस। तो बेटा अगर आप इन दोनों का क्या ले लेते हैं बेटा, रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों का बेटा क्या ले लेते हैं रेशियो, तो वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इनटू जी इनटू मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू आर ई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू दिस। अच्छा एम जी ये दोनों तो बेटा कैंसिल हो गए, तो बेटा मैंने देखा वेट ऑन मून अपॉन रेशियो ऑफ वेट ऑन अर्थ, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, मून का मास इनटू अर्थ के रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थ का मास इनटू मून के रेडियस का स्क्वायर। अच्छा अगर ये मैं वैल्यू सारी प्लेस कर दूं, आई रिपीट, अगर मैं मून के मास की वैल्यू प्लेस कर दूं, अर्थ के रेडियस की वैल्यू प्लेस कर दूं, अर्थ के मास की वैल्यू प्लेस कर दूं बेटा, और मून के रेडियस की वैल्यू प्लेस कर देता हूं, जो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आती है बेटा, 1/6 आ जाती है अप्रोक्सीमेटली। तो बेटा इससे हमें ये पता लगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है अर्थ पे बेटा वो 6 टाइम्स होता है उस ऑब्जेक्ट का वेट किस पे, मून पे, या आप कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट मून पे होता है वो 1/6 टाइम वेट होता है बेटा उसका अर्थ के हिसाब से। तो इस रेशियो को याद रख लेना बेटा, ये एक अप्रोक्सीमेट रेशियो होता है, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, बेटा ये कितना आता है, 1/6 टाइम। सर क्यों, बिकॉज ग्रेविटी जो मून की है वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 टाइम है, और अगर मैं अर्थ की ग्रेविटी को लेट सपोज उसकी वैल्यू बेटा कितनी है 10, तो बेटा अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ग्रेविटी जो मून पर आती है कैलकुलेट करने पर इस फॉर्मूले से या किसी भी फॉर्मूले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर मैं प्लेस कर दूं, तो बेटा ये ग्रेविटी जो मून पे आती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है। किसी भी तरीके से अगर मैं ग्रेविटी मून की निकालू, चाहे मैं इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकालू, चाहे मैं इनके रेशियो से निकालू, तो बेटा एक बात याद रखना, मून की ग्रेविटी 1/6 टाइम अर्थ की ग्रेविटी होती है, इसीलिए मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 1/6 टाइम होता है ऑब्जेक्ट का वेट कहां पर, अर्थ के ऊपर। तो देखो बेटा अगर हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अर्थ हो गया बेटा, अर्थ है ये, रेडियस ऑफ मून है ये, बेटा हमारा हो गया अर्थ का मास। तो बेटा हमने एम जी, क्योंकि ये तो बेटा मास तो कांस्टेंट ही रहेगा बेटा, वो ऑब्जेक्ट चाहे आप अर्थ पे हो चाहे आप सन पे हो, आपका मास तो सेम ही है और जी वैसे ही सेम है। तो बेटा मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, अब देखो अप्रोक्सीमेटली इतना होता है मून का मास, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है अर्थ का रेडियस, इतना है मून का रेडियस, इतना है, इनमें से कोई भी वैल्यू बेटा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जहां पे जैसी नीड होगी वो हमें जरूर दे। अर्थ का मास अप्रोक्सीमेट का मास है ना, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स लेते हैं। तो इन जनरल हो सकता है कि कोई टीचर आपसे इस बारे में बात करे तो वो आपको बता सकती है, ठीक है। तो ये देखिए बेटा हमने सारी की सारी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है, 1/6 आ रही है बेटा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट आप मून पे अगर निकालना चाहते हैं, जितना भी अर्थ पे है आप उसका 1/6 कर दीजिए, अपने आप आपको आ जाएगा। क्यों, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ग्रेविटी ऑन मून
इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है और इस पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, वो डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आप कॉपी कर लीजिएगा। कहते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, तो हमारे पास इसमें कुछ क्वेश्चन है, हम वो देख लेते हैं। ये हो गया बेटा एग्जाम्पल 4 का आंसर। कहते हैं मास ऑब्जेक्ट का कितना है 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन अर्थ कितना आ जाएगा बेटा, मास इनटू ग्रेविटी ऑन अर्थ। बेटा मास कितना आ गया 10 आप पे, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 98 newton, ये आ गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल 5 की बात करें, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 newton, तो बेटा ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 10 newton measured on the surface of the earth, तो बेटा ये हो गया अर्थ के सरफेस पर। What would be is the weight if measured on the moon, तो बेटा आपको मून पर इसका वेट निकालना है। आपको भी बताया वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ, तो बेटा ये कितना हो गया 1/6 × 10, तो बेटा वेट ऑन मून बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 1.67 newton, ये आ गया हमारा आंसर। कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, तो बेटा अभी हमने नोट्स में पढ़ा था, इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ हम बार बार कह रहे थे कि व्हाई वेट ऑब्जेक्ट का मून पर 1/6 है देन वेट ऑन अर्थ। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, है ना। ये क्यों है, तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 द ग्रेविटी 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो बेटा ग्रेविटी मून की 1/6 है अर्थ की ग्रेविटी से, इस वजह से बेटा मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, अगर सेम ऑब्जेक्ट होता है उसका वेट 1/6 आता है। तो बेटा इन सिंपल टर्म्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। क्यों भाई, because gravity of moon gravity on earth, तो बेटा short form में हमने ये लिख लिया, statement में हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर gravitation chapter जो हमारा इस साल course का part है बेटा वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो topic है thrust वो इस साल हमारे course का part जो है वो नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे और अगले लेक्चर में हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे।